नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई यात्रा में। और आज का सफ़र हमारा होने वाला है दिल्ली से जयपुर का, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने शाम को 7 बजे यूपी की राजधानी लखनऊ से बस से अपनी यात्रा शुरू की और सुबह होते होते हम नई दिल्ली के बिल्कुल लास्ट छोर पर पहुँच गए। लखनऊ से दिल्ली का सफ़र कब ख़त्म हो गया मुझे पता भी न चला। फिलहाल इस वक्त सुबह के 5 बज गए हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर, जिसे हम नेशनल हाईवे 8 के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे भारत का सबसे ज़्यादा बेस्ट और ख़तरनाक हाईवे है, क्योंकि ये हाईवे राजधानी दिल्ली से मुंबई जैसे बड़े शहर को जोड़ता है। ये हो गई इसके बेस्ट होने की वजह। और NH8 ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि इस हाईवे पर आपको फुट ओवर ब्रिज बहुत ही कम मिलता है। इस हाईवे को क्रॉस करना मतलब सीधे मौत के मुंह से वापस आना। बात करते करते दिल्ली से हरियाणा के गुरुग्राम में हम कब पहुंच गए हमें पता भी न चला। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और लखनऊ की बस ने हमें गुरुग्राम के राजीव चौक पर छोड़ दिया है, क्योंकि उसका ये लास्ट स्टॉप था। अब हमें यहाँ से रोडवेज बस पकड़नी होगी, तभी हम जयपुर पहुँच पाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं बस का, क्योंकि यहाँ पे हर आधे घंटे पर दिल्ली से जयपुर के लिए रोडवेज बस आपको अवेलेबल मिल जाती है। राजीव चौक पर मुझे लगभग 1 घंटे बाद दिल्ली से जयपुर जाने वाली एक रोडवेज बस मिली और फिर से हमारा सफ़र शुरू हो गया। Thank you.